गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास सिक्स को पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने लिख दिया है, क्लास सिक्स सब्जेक्ट जो है वो मोरल साइंस हो रहा है। पढ़ाई चैप्टर वन पढ़ाई हो रहा है आपका, डिलाइटफुल द होल। डिलाइटफुल जो है वो एक सांड का नाम है। एंड देन यू क्रैक्ड अ व्हिप ओवर माई हेड, और फिर आपने मेरे सिर पर एक कोड़ा मारा। यहाँ जो डिलाइटफुल जो है एक सांड है, उस वो अपने शिकायत कर रहा है अपने मालिक से, घनश्याम से शिकायत कर रहा है कि आपने पहले तो मुझे क्या कहा कि आपने पहले मुझे मूर्ख कहकर पुकारा, उसके बाद क्या किया कि मेरे सिर पे एक कोड़ा मारा। तो वो जो सांड है वो घनश्याम से शिकायत कर रहा है। हैव आई एवर बिहेव्ड लाइक अ डमी ब्रोकन थिंग मेड अ मेस ऑफ थिंग्स और कॉज्ड यू एनी एम्बरेसमेंट। क्या मैंने कभी भी एक मूर्ख की तरह व्यवहार किया है और टूटी हुई चीज़ों से कोई गड़बड़ी हुई है जिससे आपको शर्मिंदगी हुई हो। मतलब वो जो सांड है वो घनश्याम से कह रहा है कि क्या मैंने कभी भी मूर्ख की तरह व्यवहार किया है, कभी ऐसा किया हो कि लगा हो आपको कि मैं मूर्ख हूँ, और या कोई ऐसी चीज़ किसी चीज़ को तोड़ा है जिससे कोई गड़बड़ी हुई हो या आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो। तो ये जो सांड है, बुल जो है, डिलाइटफुल जिसका नाम है, वो अपने मालिक से शिकायत कर रहा है। नो सेट घनश्याम, नहीं घनश्याम ने कहा, कि नहीं, तुमने कभी भी ऐसा काम नहीं किया है। देन वाई सर डिड यू इंसल्ट मी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर, फिर क्यों सर आपने दूसरे के सामने मेरी बेइज्जती की। फिर ये जो सांड है वो कह रहा है अपने मालिक से, घनश्याम से कह रहा है, तो दूसरों के सामने आपने क्यों मेरी बेइज्जती की, ऐसा आपने क्यों किया। इट इज़ योर फॉल्ट, ये आपकी गलती है, अगर आपने ऐसा किया है तो ये क्या है, आपकी गलती है। बट आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन मैं आपके लिए दुखी महसूस करता हूँ। लेकिन इसको दुख हुआ, जो सांड था उसको दुख हुआ, क्योंकि उसका मालिक जो है वो शर्त जो था वो हार गया था, इसलिए उसको दुख हुआ, सांड को दुख हुआ अपने मालिक यानी घनश्याम के लिए। गो एंड प्लेस द सेम बेट विद द मर्चेंट, जाइए और उस व्यापारी से शर्त लगाइए। वही शर्त जो इसने कहा, सांड ने कहा अपने मालिक से कि जाइए और उसी व्यापारी से फिर वही दो सेम शर्त जो है वो फिर लगाइए। घनश्याम वेंट बैक टू द मर्चेंट एंड बेट 2000 गोल्ड कॉइन्स। घनश्याम उसी व्यापारी के पास गया और 2000 सोने के सिक्के का शर्त लगाया। पहले 1000 सोने के सिक्के का शर्त लगाया था घनश्याम ने उस व्यापारी से, और फिर दोबारा उसी व्यापारी के पास गया और उसने अब 2000, घनश्याम ने उस व्यापारी के साथ 2000 सोने के सिक्के का अब शर्त लगाया। द मर्चेंट वॉज वेरी हैप्पी, व्यापारी जो था बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। होपिंग टू विन अगेन ही लोडेड द 100 पुल ऑफ कार्ट्स विद सैंड, उसे आशा थी कि वह दोबारा जीत जाएगा। एक बार तो वो व्यापारी घनश्याम से जीत चुका था, तो फिर उसे आशा थी कि फिर वह दोबारा जीत जाएगा। उसने 100 बैलगाड़ियों को रेत से भर दिया। फिर उसने क्या किया कि 100 बैलगाड़ियों को एक साथ जोड़ दिया और उसको रेत से, बालू से भर दिया। When all was ready, घनश्याम touched delightful forehead. जब सब कुछ तैयार हो गया, मतलब तो घनश्याम ने डिलाइटफुल के माथे को छुआ। उसके बाद जब सब तैयार हो गया तो क्या किया, खींचने के लिए डिलाइटफुल जो था वो तैयार था बैलगाड़ियों को, तो उसने क्या किया, घनश्याम ने क्या किया, उसके माथे को छुआ। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, थैंक यू।